हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके सामने एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी वाला नाश्ता, पनीर के पराठे। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल नरम और मुलायम बनकर तैयार होते हैं, बिल्कुल न बिल्कुल फूटते नहीं हैं, बिल्कुल फूले फूले से बन के तैयार होंगे। आप इसको मैं आपकी फीलिंग दिखाती हूँ, कितने भरे भरे ये देख सकते हो आप, कितने बड़े और भरे भरे इसके फीलिंग बन के तैयार होती है, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं सारे पराठे हमारे बिल्कुल मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है पनीर, ग्राम ही है, 250 ग्राम है। इसको अच्छी तरीके से पहले हम मैस लेते हैं। कोई इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरीके से इसको मैस लेंगे। बहुत ही टेस्टी पराठा बन के तैयार होता है, बहुत क्विक रेसिपी है, झटपट बन के तैयार हो जाता है, हेल्दी भी है। पनीर को हमने मैस लिया है, आप चाहे तो घर में भी पनीर बना सकते हो, या फिर कभी कभी दूध हमारा फट जाता है तो उसका भी पानी निकाल के उसका भी पराठा बना सकते हो। इसके अलावा मैंने लिया है प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। प्याज को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। तो बच्चे बना लेते हैं इसको। प्याज को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, अदरक और लहसुन का भी पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। चलिए गैस ऑन करते हैं। गैस हमने ऑन कर लिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है, गर्म होने देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, डालेंगे इसमें सरसों का तेल। ऑयल को गर्म होने देते हैं, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, डालेंगे इसमें हरी मिर्च। इसके साथ ही डाल देते हैं इसमें अपना प्याज। प्याज को हमें यहाँ पर गलाना है, तो हम सब इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। जितना हमारा पनीर है उसी हिसाब से हम देखते हैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को सीम पर कर लेते हैं ताकि प्याज हमारा गल जाए। प्याज हमारा थोड़ा गलने लगा है, आप देख सकते हैं मैंने गैस की फ्लेम को कम पर रखा है ताकि प्याज हमारा हल्का गल जाए। इसके साथ इसमें हम डाल देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने बना के तैयार किया है। बहुत ही टेस्टी और चटपटा ये बन के तैयार होता है, आप बना के जरूर ट्राई करना। एक मिनट इसके साथ भी इसको भूनते हैं। अदरक लहसुन को मैंने एक मिनट तक भून लिया है, प्याज भी हमारा लगभग गल चुका है। डाल देते हैं इसमें अपने कुछ मसाले, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। मसाले हमने सूखे डाले हैं इसीलिए डालेंगे हल्का सा पानी ताकि मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून सके। मसाले हमारे भून चुके हैं, डाल देते हैं इसमें अपना पनीर। बहुत टेस्टी चटपटा और हेल्दी नाश्ता हमारा बनके सुबह सुबह तैयार हो जाएगा, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत चटपटा लगता है। बस हल्का सा भून के अगर आपके पनीर में कुछ पानी है तो इसे सुखा लें, इसे ज़्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। पनीर मैं हो चुका है, गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं। अब हमने लिया है गेहूं का आटा,
डालेंगे इसमें थोड़ा सा क्रश करके अजवाइन। इसके अलावा डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, नमक हमने ऑलरेडी फिलिंग में डाल रखी है तो हल्का नमक इसमें हम डाल देते हैं। और जिस तरीके से हम रोटी का आटा लगाते हैं उस तरीके से इसका एक स्मूथ आटा हमें लगा के तैयार कर लेना है। एक अच्छा सा डो हम इसका बना लेंगे, फिर इसको मिक्स कर लेते हैं। हल्का हल्का पानी डाल के हमें इसका डो तैयार कर लेना है। आटा गूंदी हमने तैयार कर लिया है जिस तरीके से रोटी का आटा हम बनाते हैं। लेते हैं इसकी एक लोई। इसके लिए हम दो इक्वल साइज की लोहियां लेंगे, बहुत बड़ी लोई नहीं लेनी है, मिडिल साइज की। दो हमें पहले इक्वल साइज की लोई बना के रेडी कर लेनी है। दोस्तों वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। दो इक्वल साइज की लोई मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अब हमने लिया है चौकी बेलन, सूखा आटा इसमें लगाएंगे और जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं वैसे ही अपनी रोटी बना के हमें तैयार करनी है। रोटी हमने बेल के तैयार कर ली है, अब ऐसे ही दूसरी रोटी भी हम बेल के तैयार कर लेंगे। जो एक और लोई मैंने बना के तैयार की थी उसकी एक और रोटी मैं बना के तैयार कर लेती हूँ। रोटी हमारी तैयार हो गई है, अब डालेंगे इसमें अपना अपना फिलिंग। पूरे पराठे में हम इसके स्प्रेड कर देंगे, फिलिंग हमने स्प्रेड कर ली है। अब एक और रोटी जो हमने बना के तैयार की थी इसके ऊपर से इसे हम चिपका देंगे। किनारों को अच्छी तरीके से हल्का हल्का दबा लेना है ताकि ये खुले नहीं, इससे हमारे पराठे न फटेंगे, बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। पराठे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं, चलिए गैस ऑन करते हैं। गैस हमने ऑन कर लिया है, तवा चढ़ा दिया है, तवा हमारा गर्म है। डालेंगे इसमें अपना पराठा। लगते हैं अपने पराठे को, दबा दबा किसी हमें आराम से पका लेना है। बहुत ही बढ़िया मज़ेदार पराठे आपके इसे तैयार हो जाते हैं, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बनके तैयार हो रहे हैं। दबा दबा के चारों तरफ से इसको पका लें, बिल्कुल फूले फूले पराठे आपके बनके रेडी होंगे। सुबह के लिए हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है ये, बिल्कुल भरी भरी इसकी फीलिंग्स रहती है, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, सारे पराठे आपके फूले फूले बनने वाले हैं। पराठे हमके बनके रेडी है, आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम सारे पराठे को बना लेते हैं। आप देख सकते हैं पराठे हमारे बनके बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल नरम मुलायम फूले फूले से पराठे बनके तैयार होंगे, बिल्कुल भी नहीं फूटेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप रेसिपी को जरूर ट्राई करने, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपको सामने और भी लेके आ सकें और हम आपस में हम दोनों ऐसे ही जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।